आईपीएल सीजन 16 के 35वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से हरा दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 208 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की पारी 9 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाकर थम गई। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही मैदान पर नहीं चली। टीम को पहला झटका 4 रन के स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा। रोहित शर्मा 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौटी। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने ही रोहित का कैच लपक कर मैदान से चलता किया। मुंबई का दूसरा विकेट बल्लेबाज ईशान किशन का गिरा। ईशान 21 गेंदों पर 13 रन बटोर कर आउट हो गए। टाइटंस के स्पिनर गेंदबाज राशिद खान की गेंद पर जिल ने ईशान किशन का कैच लपका। तिलक वर्मा का बल्ला आज 3 गेंदों पर 2 रन बटोर कर रुक गया। गुजरात के गेंदबाज राशिद ने तिलक को LBW आउट कर वापस पवेलियन भेजा। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने 191 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के खेमे में जीत की एक उम्मीद जगाई, लेकिन 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर सूर्य का बल्ला रुक गया। वहीं टीम डेविड अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोनों ही बल्लेबाजों को गुजरात के गेंदबाज नूर ने मैदान से चलता किया, लेकिन टीम के बल्लेबाज निहाल बढ़ेरा और पीयूष चावला ने एक बार फिर दबाव के बीच जीत की कमान को संभालने का प्रयास किया। निहाल बढ़ेरा ने जहां 21 गेंदों पर 40 रन तो पीयूष चावला ने 12 गेंदों पर 18 रन बटोरकर वापस पवेलियन चले गए। गुजरात के गेंदबाज मोहित शर्मा की गेंद पर मोहम्मद शमी ने निहाल का कैच लपका तो वहीं पीयूष चावला रन आउट हो गए। 152 रन के स्कोर पर मुंबई इंडियंस को 9वां विकेट गिरा। बल्लेबाज अर्जुन तेंदुलकर ने संघर्ष करते हुए 9 गेंदों पर 13 रन जोड़े, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तेंदुलकर गुजरात के गेंदबाज मोहित शर्मा की गेंद पर जोशुआ लेटर के हाथों में कैच थामा बैठे। दूसरी ओर 55 रन के अंतराल से जीत का स्वाद चखने वाले गुजरात के गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात की जाए तो गेंदबाज नूर ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए तो वहीं राशिद और मोहित शर्मा को 2-2 सफलता मिली। इसके साथ हार्दिक पांड्या ने भी 1 विकेट चटकाया।